विदिशा जिले के तहसील के पीपलखेड़ा क्षेत्र में आने वाले करारिया चौराहे के वेयरहाउस प्रांगण में 35,000 क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। वर्तमान समय में अधिकारियों को इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं है, यह तस्वीर देखने को नहीं मिलती। किसानों की उपज की तुलाई के इंतजार में ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी लाइन व साथ ही साथ खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं। देखिए खास रिपोर्ट IBN 24 न्यूज पर भैयालाल ठाकर के साथ। हो जाता है कल नियम चेंज हो जाता है, 7 दिन से हमारी ट्रालियां लगी हुई है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है, यहाँ मार्केट खुला, ना चाय, ना पानी, ना छाए है और ना टेंट है, ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है। लोग यहाँ हैरान परेशान घूम रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं ले रहा। अच्छा, अधिकारी लोग ना अधिकारी लोग आते हैं, नया रूल बता के चले जाते हैं, कह रहे हैं कि अब नया कोई नियम आएगा जब आपको देखेंगे, अभी आप ट्रालियाँ वापस ले जाइए। अब 7 दिन से पड़े हैं, हम कैसे ट्राली वापस ले जाएं? सरकार यहाँ 7 दिन से लाइन में खड़े हैं, पहले तो 15 दिन पहले लगे थे लाइन में, वारदाना खत्म हो गया था। 8-8 दिन में एक एक ट्राली तुली है, 450 क्विंटल का पंजीयन है, उसमें से अभी 200 भी नहीं तुल पाया और सर खाते लॉक कर दिए। अब नया नियम हेर दिया कि 22-23 तारीख के बाद मैसेज वालों का तुलेगा। सर हम यहाँ 5 दिन से धूप में वैसे ही खड़े हैं सर, हमारी एक ट्राली पलट गई, उसमें नुकसान हो गया सर, और हर दिन SDM साहब आते हैं, नया नियम बताते हैं और चले जाते हैं। आपने चर्चा नहीं किया SDM साहब कुछ बोल के गए नहीं गए? वही तो साहब कह गए सर ना घर ले जाओ, घर ले जाओ क्या नाम है भाई साहब आपका? रामस्वरूप वर्मा, समिति प्रबंधक सांकरिया। अच्छा, जो हम देख रहे हैं किसानों की लाइन लगी है यहाँ से वहाँ तक, और किसान कह रहे हैं कि हम 7 दिन से लगा है, कोई 6 दिन से लगा है लाइन में, और किसान बहुत परेशान है। ये बारदाने की समस्या आ रही है, बारदाना ना होने की वजह से बारदाने पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपने ऊपर मांग नहीं की बारदाने की? रोजाना डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं। तो आपके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं बारदाने के बारे में? आश्वासन दे रहे हैं, भेज रहे हैं, आ रहा है। अच्छा अच्छा, परसों 10 गठान भेजी थी, कल 10 गठान भेजी, बाकी बड़ी 60 गठान की मांग कर रहे हैं, 20 गठान आई है। तो ये किसानों का निराकरण कैसे होगा? किसान बहुत परेशान है। निराकरण ये तो कल साहब अलवर लोग भी आए थे साहब जी, पता गए हैं, तो जैसे 19 तारीख से 26 तारीख तक के जो SMS हैं उन लोगों की हम लोग सूची बना रहे हैं, उन लोगों को हम माल तोलेंगे, अभी जितना हमसे बनेगा उतना हम तोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये असुविधा आ क्यों रही है? थोड़ा सा बारदाने की वजह से आ रही है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ बारदाने की समस्या है? नहीं, इसके बाद क्या है, कुछ ट्रांसफ़र होके आ गए हैं लोग, दूसरी समितियों के हैं और जिन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए हैं यहाँ पे, उनकी वजह से भी थोड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, और ठीक है।